हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्र। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में। जान लीजिए कि बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं और एक मानव का विकास किस प्रकार से होता है। तो देखिए, जो मानव का विकास होता है, मानव का विकास निश्चित अवस्थाओं में होता है और बालक का विकास एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अचानक नहीं होता है। जो बालक का विकास होता है वो हमेशा वर्तुलाकार इस प्रकार से होता है, ना कि ऐसे ऐसे नहीं होता है। कहने का मतलब कि अगर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो जब बालक का विकास होता है तो 1 साल के बाद वो सीधे 2 साल में नहीं पहुंचता, 2 के बाद सीधे 3 साल में नहीं पहुंचता है। वो एक एक दिन धीरे धीरे उसका विकास होता जाता है। तो बालक का जो विकास होता है, अगर वो 1 ईयर से 2nd ईयर पहुंच रहा है, तो धीरे धीरे वर्तुलाकार वो 2 साल का होगा। तो इससे ये क्लियर होता है कि जो बालक का विकास है वो धीरे धीरे होता है और एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अचानक नहीं होता है। बालक के विकास की जो गति होती है वो कंटिन्यू होती रहती है। लेकिन जो बाल विकास की मुख्य रूप से अवस्थाएं होती हैं, काफी कंफ्यूजन होता है कि कितनी अवस्थाएं होती है। तो जो मुख्य रूप से बालक के विकास की अवस्थाएं होती हैं, ये 3 अवस्थाएं होती हैं। अब कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं इनको भी जान लीजिए कि जो शैशव अवस्था होती है ये जन्म से 5 वर्ष तक होती है, और बाल्यावस्था जो होती है वो 5 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक होती है। अब देख लीजिए, इससे काफी क्वेश्चंस बनते हैं। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि किस अवस्था में क्या कार्य होता है। तो देखिए, जो शैशवावस्था होती है, जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था होती है, इसे सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। जो शैशवावस्था होती है ये सीखने का आदर्श काल होती है। इसका जो दूसरा है, ये क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा काल सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। जो जो अगला है वो है भावी जीवन की आधारशिला। तो शैशवावस्था को भावी जीवन की आधारशिला भी कहा जाता है। अगला है कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किसे कहते हैं। तो जो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है, इस हिसाब से जो शैशवावस्था होती है वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण काल होता है, क्योंकि बच्चा इस समय जब बढ़ रहा होता है तो उसको सीखने की जिस दिशा में उसको प्रवेश कराया जाता है, जिस वातावरण में उसे प्रवेश कराया जाता है, वह उसी वातावरण के तौर तरीके, उसी संस्कृति को वो अपना लेता है। इसके साथ ही जो शैशवावस्था है वो अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था भी होती है। बच्चे अच्छा सीखते हैं, अच्छा देखते हैं और बुरा देखते हैं, तो वो उनका अनुकरण करते हैं, तो इसे अनुकरण की अवस्था भी कहा जाता है। और तीव्रता से शारीरिक विकास की अवस्था भी शैशवावस्था ही होती है। क्षणिक संवेग की अवस्था, जरा में रोने लगते हैं बच्चे, हंसने लगते हैं, और समुचित सांवेगिक विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल भी होता है। तो ये इसके, देखिए, ये शैशवावस्था के मेन पॉइंट हैं जो ऑप्शंस में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इन्हें देख लीजिएगा। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि शैशवावस्था को कौन कौन सी अवस्था कहते हैं। अगला देखिए, हम बात करेंगे बाल्यावस्था की। जो बाल्यावस्था है ये 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हैं। देखिए, जो बाल्यावस्था है, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था होती है। कहने का, जो स्थूल संक्रियात्मक मतलब मूर्त रूप से बच्चे जो होते हैं वो सीखते हैं, वो स्थूल जो डायरेक्ट प्रत्यक्ष जिन चीजों को देखते हैं वो उनका संक्रिया कर सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई चीज उनके सामने नहीं है तो वो उनके बारे में कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है, और निर्माण काल, भावी जीवन की सफलता एवं असफलता की नींव का काल भी कहा जाता है। कि जो बच्चे 6 से 12 वर्ष तक की एज में होते हैं तो वो सोच लेते हैं, कुछ डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, कुछ इंजीनियर बनने का, कुछ IAS बनने का, इस प्रकार से उनके भावी जीवन की सफलता और असफलता की नींव भी डल जाती है। प्रारंभिक विद्यालय की आयु होती है, जो स्टार्टिंग में विद्यालय जाते हैं बच्चे, तो ये 6 से 12 वर्ष तक की जो बाल्यावस्था होती है, ये प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था भी होती है। वैचारिक क्रिया की अवस्था होती है, टोली, दल, समूह की अवस्था होती है, और खेल की आयु भी यही होती है।
इसके बाद देखिए प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल भी, ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है कि प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल किसे कहा गया है, तो बाल्यावस्था को कहा गया है, मूर्त चिंतन की अवस्था। मूर्त चिंतन भी सूक्ष्म, जो आप लोगों ने ऊपर पढ़ा कि स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, तो ये मूर्त चिंतन से तात्पर्य यही होता है कि जिन चीजों को बच्चे प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, सामने देखते हैं, स्पष्ट रूप से देखते हैं, सिर्फ उन्हीं में संक्रिया कर पाते हैं, उन्हीं का जो उनकी समझ होती है उन्हीं में हो पाती है। अगला है कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन का स्टार्टिंग हो जाती है लेकिन वो कर नहीं पाते। इसके बाद देखिए बाल्यावस्था तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता और अभिवृत्ति का काल है, सामाजिकता विकास होने का काल है, नए कौशलों एवं क्षमताओं के विकास की वृद्धि का स्वर्णिम काल होता है। अगला देखिए अब बात करते हैं किशोरावस्था की। तो किशोरावस्था तो आप सभी जानते हैं कि किशोरावस्था बहुत तनाव का काल होता है। किशोरावस्था में जो बालक होता है उसके संवेगों में परिवर्तन होता है, उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति में परिवर्तन होता है, और इसी प्रकार से जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसके अंदर एक इमेजिन पावर डेवलप होती है। अमूर्त चिंतन की अवस्था इसे कहा गया है। अमूर्त, कुछ लोग सोचते होंगे मूर्त और अमूर्त में हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि मूर्त वही चीजें होती हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और अमूर्त वे चीजें होती हैं जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो होती हैं अमूर्त, अमूर्त चीजें होती हैं। तो जो दल भक्ति की अवस्था होती है किशोरावस्था, जीवन का सबसे कठिन काल और तनाव का काल कहा जाता है इसको, समस्याओं की अवस्था होती है। इसके साथ साथ जो किशोरावस्था होती है द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था होती है, बहुत जल्दी शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है। इसके बाद देखिए स्वर्ण काल, इसे जीवन का स्वर्ण काल भी कहते हैं, बसंत ऋतु और सामाजिक स्वीकृति की अवस्था भी होती है, व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता की अवस्था भी किशोरावस्था को ही कहते हैं, प्रबल दबाव एवं तनाव की अवस्था, संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था, और इसके साथ ही जो आत्मसम्मान एवं आत्म स्वीकृति की अवस्था भी किशोरावस्था को ही कहते हैं, तार्किक चिंतन की अवस्था भी किशोरावस्था होती है, और अगली होती है संघर्ष एवं तूफान की अवस्था, उथल पुथल मानसिक तनाव, उथल पुथल होता है, अगर उनकी कोई बात नहीं मानते हैं तो बहुत जल्दी जो किशोरावस्था के बालक होते हैं एग्रेसिव हो जाते हैं, वो वही करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, जो उनको मन की संतुष्टि देता है। इसके बाद संक्रमण काल की अवस्था, संक्रांति काल की अवस्था, मतलब कि जो एक दूसरे का देख लेते हैं, उन्हें जो अच्छा लगता है वो वही करते हैं, और यही इसी को टीन एज भी बोलते हैं, किशोरावस्था भी बोलते हैं। तो एक और इसका जो स्टेनले हॉल थे उन्होंने कहा था कि किशोरावस्था जीवन में का बहुत ही तूफान एवं तनाव का काल है। फ्रेंड्स ये तीन अवस्थाएं हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और एक जो मैंने आपको ये पॉइंट बताए हुए हैं यही एग्जाम में आते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करके भी देख लीजिएगा, चाहे तो आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, और बने रहिए आपके अपने चैनल सक्सेस मंथ के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।